चंद्र कृपालु भज भज हर भव भय दारुण कंदर अगणित सब लोग गाइए अमित छवि नवनील नीरन सुंदरम पट पीत मान हो तणि तर तिनो में जनक सुतावरम पट प्रीत मानो तड़े चलो चलो चिनो जनक सुतावरम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय कृपालो भज मन हरण भव भय दारुण भज दीन बंध दीन सदार दैत्य वंश निकादर भज दीन बंधो दिने चंद्र दशरथ नंदनो रघुनंद आनंद कंदनो चंद्र दशरथ नंदनो श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हर उदार अंग विभूषण आ जानो भोज शरताप धर संग्राम जीत खर दूषण आ जानो भोज शरताप धर संग्राम जीत हर दूषण श्री राम चंद्र कृपालु भजो मन हर भव भय दारुण पद पीत दास शंकर शेष मुनि मन भगति तुलसीदास शंकर शेष मुनि महर रंजन मम हृदय कंज निवास करो कामादि कर भल मम हृदय श्रीरामचंद्र पालो भज मन हर
श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्कुकम् पीतास्तमारोपितवामभागम्। वहां जरा बंद रख के पाणौ महासायक चारु चापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलित बलधामं कर्णशैलाभदेहम् तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिवरदूतं पातजातं नमामि। उधर माइक बंद रखेंगे तो मुझे सुविधा रहेगी और बहुत गहन विषय चर्चा मैं करूंगा। जयति कवि कुमुद चंद्रो तुलसी हृदर्ष वर्धन तुलसी सुजन चकोर कदम्बो यत् कविता तोमुदीं पिबति श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि परलौ रघुबर बिमल जस दोदायक फलचार। ऊंचे श्रम बोलिए त्यावर राम चंद्र भगवान की। श्री राम चरित मानस बिमल कथा करूं चित चाय आस्तन आई विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय। पवन हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। जय जय। प्रेम से बोलिए सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीता राम।
श्री सीताराम कहो हृदय राखो विश्वास प्रभु बिगरत नाश ने सीताराम के दाना यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। परिपूर्णतम परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ सर्वांतर्यामी त्रिचित्रकूट बिहारी बिहारी भगवान श्री सीताराम की पतित पावनी कृपा से हमारे भारत के हृदय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, मैं तो इसको भोजपाल ही कहूंगा, यह मेरी कथा अन्य कथाओं से थोड़ी अलग होगी और मैं आपको वचन देता हूं, आज तक जो जो वचन मैंने दिए पूरे किए। राम जन्मभूमि का वचन दिया था, पूरा हुआ, आप जान ही रहे हैं। राम जन्मभूमि मेरे ही वक्तव्य ने दशा और दिशा दोनों बदली, सब आप जानते हैं। और अगले वर्ष 2024 की 14 जनवरी को रामलला जी अपने गर्भगृह में स्थापित हो जाएंगे। उसी समय मेरा 75वां अमृत महोत्सव मनाया जाएगा जन्मदिन। राम जन्मभूमि हमारे पक्ष में आई, 370 की धारा कश्मीर से हटी, 35-1 हटी, ट्रिपल तलाक की कुप्रथा समाप्त हुई, हमने प्रत्येक गरीब परिवार को भोजन कराया, इसमें 80 करोड़ लोगों को हम भोजन करा रहे हैं प्रतिदिन। सोचो आप, प्रत्येक 80 करोड़ लोगों को भोजन करा रहे हैं, सामान्य बात नहीं है। इस बार भारतवर्ष की अखंडता के लिए अभी मैं सुनील यादव से और विकास बिरानी से कह रहा था कि मेरी कथा थोड़ी अलग है, मैं वक्ता हूं ही नहीं, और लोग वक्ता होते हैं, प्रवचन करते हैं, मैं आचार्य हूं, मैं प्रवचन नहीं करने आया हूं, मैं आशीर्वचन करने आया हूं। पीओके दुनिया के नक्शे से समाप्त हो जाए, पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिल जाए, इसीलिए इसी उद्देश्य के लिए हमने विगत 12 जनवरी से 20 जनवरी पर्यंत त्रेता युग के विश्वामित्र के यज्ञ के पश्चात पहला निष्काम यज्ञ किया, 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ, और हनुमान मंत्र की 125 करोड़ आहुतियां अग्निदेव को अर्पित की गई। हम पाक अधिकृत कश्मीर लेंगे, और हम आपको वचन दे रहे हैं इस बार, इस कथा को सभी लोग सुने। युवक कुछ लोग कह रहे थे अमुक वक्ता के वक्तव्य से नए लोग अधिक प्रभावित होते, मैंने कहा मैं तो स्वयं बालक ही हूं, जिसको राष्ट्र की अखंडता चाहिए, जिसको पूरा कश्मीर चाहिए, वो मेरी कथा में अवश्य आए।
और जिसको अखंडता नहीं चाहिए वो मेरी कथा में बिल्कुल ना आए, मुझे आवश्यकता नहीं। जैसे सब कुछ हो रहा है मित्रों, उसी प्रकार भोपाल का नाम भोजपाल होकर रहेगा। अरे उसमें करना क्या, पहले इसका नाम भोजपाल था ही, इन बेईमान कठमुल्लों ने जग को काट कर भोपाल कर दिया। ये भोज, हाँ सुना जाए, ये भोजपाल था, भोज पाल यश स भोजपाल, भोज राजा जिसके पालक है उसका नाम है भोजपाल। भोजपाल को इन, क्या बताऊं, इन हत्यारों ने, गो हत्यारों ने, कसाइयों ने भोपाल कर दिया। यदि हम फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर सकते हैं यदि हम इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयाग कर सकते हैं तो भोपाल का नाम बदलकर क्या भोजपाल नहीं कर सकते। ये 9 दिन मेरे बहुत आक्रामक रहेंगे, तो जया जी तो हमारी बेटी है तो ठीक है, उनका अपना जैसा माध्यम संबोधन किया, पर हम, मेरा स्वभाव ही नहीं, मेरा सोच इस पार से उस पार, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। यदि फैजाबाद अयोध्या बन सकता है, इलाहाबाद प्रयाग बन सकता है और होशंगाबाद नर्मदा नगर बन सकता है होशंगाबाद नर्मदा नर्मदा नगर बन गया कि नहीं बन गया, तो मैं अपने अनुज शिवराज सिंह से कहूंगा कि इसी चुनाव के पहले बना दो यार। भोपाल से भोजपाल बना दो इसी चुनाव के पहले, अब विलंब होता तो अगली बार फिर कमल को वोट दो, अगली बार हम बनवा ही देंगे। मेरा प्रत्येक वक्त में रिकॉर्डेड रहेगा, अन रिकॉर्ड रहेगा सब। तो इस भोजपाल महोत्सव में समायोजित और मेरी श्री राम कथा श्रृंखला की एक कौन सी कथा होगी तुम लोग याद आए कि नहीं आए, हम 12 से 20 जनवरी तक कौन संख्या कथा कह के आए, आप लोग याद है ना, बच्चों को याद होगा है? कौन नंबर कथा है दीनानाथ बता, हाँ दीनानाथ दास हमारे बता रहे हैं कि 12 से 20 जनवरी जो मैंने कथा की उस कथा की संख्या थी 1360। और ये इस कथा की संख्या क्या होगी मित्रों, 1361। 1300 अपनी श्री राम कथा की श्रृंखला की 1361वीं श्री राम कथा के प्रथम सत्र में समवेत सभी संत जन, विद्वत जन, माताओं, बहनों, बेटियों,
मित्रों बालकों का और फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे भूरभागी सभी श्रोता देवियों सज्जनों का मैं हृदय से मंगला शासन कर रहा हूं। आचार्य को ही मंगला शासन कहने का करने का अधिकार होता है। जैसा कि हमारे रामप प्रवेश दास जी ने कहा, इन लोगों ने मुझे निर्विवाद, हम तो साधुओं के आचार्य हैं, देखिए हवाई चार्टर ट्रेन से आपके लिए आए हम आज। रामप प्रवेश दास ने कहा, पहले मेरे यहां चलना पड़ेगा। बिल्कुल चलूंगा प्रभु, आप कहां, आप तो हमारे सेना हैं, आप हमारे सैनिक हैं भाई। सैनिक की बात यदि राष्ट्रपति नहीं मानेगा तो रहेगा कहां। तो वायु विमान पत्तन पर उतरने के पश्चात पहले मैं गुफा मंदिर ही गया, वहां भोग प्रसाद पाया और फिर छौर कर्म स्नान करके मेकअप होकर आपके पास आया हूं। मैं यहाँ पर मेडिसिन लेती हूँ इसकी और अपनी ना, चार पांच बार दवाई लगी, दो तीन बारी पहले। अरे जब जब भोपाल का नाम बदलवाना है तो थोड़ा प्रोटोकॉल तो होना ही चाहिए ना। तो मित्रों एक ही चौपाई पर मुझे 9 दिन सुनाना है, बहुत प्यारी चौपाई मैंने सुनी है, आपको संख्या बताऊं। उत्तर कांड के रामचरितमानस जी के उत्तर कांड के 10वें दोहे की 5वीं पंक्ति में सुना रहा हूं। इसी पर 9 दिन की मेरी व्याख्या होगी और संयोग है आपका हमारा, भोपाल वाले मुझे प्रिय बहुत हैं और मालवा की दाल तुम्हें इतनी प्रिय है क्या बताऊंगा। मालवा की दाल और मालवा का गेहूं और भोपाल भोजपाल का ताल, यहां कहा जाता है रानी एक नहीं ताल एक भोजपाल ताल और सब तलैया, रानी एक रूपमती और सब गधैया। तो भोजपाल तो मुझे बहुत प्रिय है, मैं यदि कहने जाऊं कहूं इस संस्कृत जगत में, संस्कृत जगत में यदि कोई परिपूर्णतम परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर सर्वसर्वेश्वर सर्वांतर्यामी चित्रकूट बिहारी बिहारी भगवान श्री सीताराम की पतित पावनी के पास हमारे भारत के हृदय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, मैं तो इसको भोजपाल ही कहूंगा, यह मेरी कथा अन्य कथाओं से थोड़ी अलग होगी और मैं आपको वचन देता हूं
आज तक जो जो वचन मैंने दिए पूरे किए। राम जन्मभूमि का वचन दिया था पूरा हुआ, आप जान ही रहे हैं। राम जन्मभूमि मेरे ही वक्तव्य ने दशा दशा और दिशा दोनों बदली, सब आप जानते हैं। और अगली वर्ष 2024 की 14 जनवरी को रामलला जी अपने गर्भगृह में स्थापित हो जाएंगे। उसी समय मेरा 75वां अमृत महोत्सव मनाया जाएगा जन्मदिन। राम जन्मभूमि हमारे पक्ष में आई, 370 की धारा कश्मीर से हटी, 35-1 हटी, ट्रिपल तलाक की कुप्रथा समाप्त हुई, हमने प्रत्येक गरीब परिवार को भोजन कराया। इसमें 80 करोड़ लोगों को हम भोजन करा रहे हैं प्रतिदिन, सोचो आप, प्रत्येक 80 करोड़ लोगों को भोजन करा रहे हैं, सामान्य बात नहीं है। इस बार भारतवर्ष की अखंडता के लिए अभी मैं सुनील यादव से और विकास बिरानी से कह रहा था कि मेरी कथा थोड़ी अलग है, मैं वक्ता हूं ही नहीं, और लोग वक्ता होते हैं, प्रवचन करते हैं, मैं आचार्य हूं, मैं प्रवचन नहीं करने आया हूं, मैं आशीर्वचन करने आया हूं। पीओके दुनिया के नक्शे से समाप्त हो जाए, पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिल जाए, इसीलिए इसी उद्देश्य के लिए हमने विगत 12 जनवरी से 20 जनवरी पर्यंत त्रेता युग के विश्वामित्र के यज्ञ के पश्चात पहला निष्काम यज्ञ किया। 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ और हनुमान मंत्र की 125 करोड़ आहुतियां अग्निदेवों को अर्पित की गई। हम पाक अधिकृत कश्मीर लेंगे, और हम आपको वचन दे रहे हैं इस बार इस कथा को सभी लोग सुने। युवक कुछ लोग कह रहे थे अमुक वक्ता के वक्तव्य से नए लोग अधिक प्रभावित होते, मैंने कहा मैं तो स्वयं बालक ही हूं। जिसको राष्ट्र की अखंडता चाहिए, जिसको पूरा कश्मीर चाहिए, वो मेरी कथा में अवश्य आए, और जिसको अखंडता नहीं चाहिए वो मेरी कथा में बिल्कुल ना आए, मुझे आवश्यकता नहीं। जैसे सब कुछ हो रहा है मित्रों, उसी प्रकार भोपाल का नाम भोजपाल होकर रहेगा। अरे उसमें करना क्या, पहले इसका नाम भोजपाल था ही, इन बेईमान कठमुल्लों ने जग को काटकर भोपाल कर दिया। ये भोज, हाँ सुना जाए, ये भोजपाल था, भोज पाल यस्य स भोजपाल, भोज राजा जिसके पालक है उसका नाम है भोजपाल। भोजपाल को इन क्या बताऊं,
इन हत्यारों ने, गो हत्यारों ने, कसाइयों ने भोपाल कर दिया। तो यदि हम फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर सकते हैं यदि हम इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयाग कर सकते हैं तो भोपाल का नाम बदलकर क्या भोजपाल नहीं कर सकते? ये 9 दिन मेरे बहुत आक्रामक रहेंगे। तो जया जी तो हमारी बेटी है तो ठीक है, उनका अपना जैसा माध्यम संबोधन किया, पर हम, मेरा स्वभाव ही नहीं, मेरा स्वभाव इस पार से उस पार, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। यदि फैजाबाद अयोध्या बन सकता है, इलाहाबाद प्रयाग बन सकता है और होशंगाबाद नर्मदा नगर बन सकता है होशंगाबाद नर्मदा नर्मदा नगर बन गया कि नहीं बन गया? तो मैं अपने अनुज शिवराज सिंह से कहूंगा कि इसी चुनाव के पहले बना दो यार। भोपाल से भोजपाल बना दो इसी चुनाव के पहले, अब विलंब होता तो अगली बार फिर कमल को वोट दो, अगली बार हम बनवा ही देंगे। मेरा प्रत्येक वक्त में रिकॉर्डेड रहेगा, ऑन रिकॉर्ड रहेगा सब। तो इस भोजपाल महोत्सव में समायोजित और मेरी श्री राम कथा श्रृंखला की एक कौन सी कथा होगी तुम लोग याद आ कि नहीं आया? हम 12 से 20 जनवरी तक कौन संख्या कथा कह के आए, आप लोग याद है? बच्चों को याद होगा है? कौन नंबर कथा है दीनानाथ बता? हाँ दीनानाथ दास हमारे बता रहे हैं कि 12 से 20 जनवरी जो मैंने कथा की उस कथा की संख्या थी 1360। और ये इस कथा की संख्या क्या होगी मित्रों? 1361। 1300 अपनी श्री राम कथा की श्रृंखला की 1361वीं श्री राम कथा के प्रथम सत्र में समवेत सभी संत जन, विद्वत जन, माताओं, बहनों, बेटियों, मित्रों, बालकों का और फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे भूर भागी सभी श्रोता देवियों सज्जनों का मैं हृदय से मंगला शासन कर रहा हूं। आचार्य को ही मंगला शासन कहने का करने का अधिकार होता है, जैसा कि हमारे रामप प्रवेश दास जी ने कहा, इन लोगों ने मुझे निर्विवाद, हम तो साधुओं के आचार्य हैं, देखिए हवाई चार्टर प्लेन से आपके लिए आए हम आज, तो राम प्रवेश दास ने कहा पहले मेरे यहां चलना पड़ेगा। बिल्कुल चलूंगा प्रभु, आप क्या, आप तो हमारे सेना हैं, आप हमारे सैनिक हैं भाई, सैनिक की बात यदि राष्ट्रपति नहीं मानेगा तो रहेगा कहां? तो वायु विमान पत्तन पर उतरने के पश्चात पहले मैं
गुफा मंदिर ही गया, वहां प्रसाद पाया। अब फिर छौर कर्म स्नान करके मेकअप होकर आपके पास आया। मैं यहाँ पर मेडिसिन लेती हूँ, इसकी और अपनी ना चार पांच बार दवाई लगी, दो तीन बारी पहले भी है दवाई। अरे जब जब भोपाल का नाम बदलवाना है तो थोड़ा प्रोटोकॉल तो होना ही चाहिए ना। तो मित्रों, एक ही चौपाई पर मुझे 9 दिन सुनाना है। बहुत प्यारी चौपाई मैंने सुनी है, आपको संख्या बताऊं। उत्तर कांड के रामचरितमानस जी के उत्तर कांड के 10वें दोहे की 5वीं पंक्ति में सुना रहा हूं। इसी पर 9 दिन की मेरी व्याख्या होगी। और संयोग है आपका हमारा, भोपाल वाले मुझे प्रिय बहुत हैं और मालवा की दाल तुम्हें इतनी प्रिय है क्या बताऊं। मालवा की दाल और मालवा का गेहूं और भोपाल भोजपाल का ताल, यहां कहा जाता है रानी एक नहीं ताल एक भोजपाल ताल और सब तलैया, रानी एक रूपमती और सब गधैया। तो भोजपाल तो मुझे बहुत प्रिय है। मैं यदि कहने जाऊं कहूं इस संस्कृत जगत में, संस्कृत जगत में यदि कोई कलिकाल में सूर्य बनकर राजा आया तो उस राजा का नाम था भोज। नौ दिनों में आपको भिन्न भिन्न प्रसंग में सुनाऊंगा। कौन नहीं जानता भोज को, जिन्हें राजा होकर भी जिन्होंने संस्कृत में इतना कार्य किया। रामवीर सिंह जी कोई कर नहीं सकता, इतना काम किया है रामचंद्र, इतना काम किया। पातंजल योग सूत्र पर यदि पहली वृत्ति किसी ने लिखी उस व्यक्ति का नाम है महाराज भोज। हम लोग तो पढ़ते हैं ना, आप अब जो नहीं संस्कृत पढ़ेगा वो क्या जानेगा। इतनी सुंदर व्याख्या लिखी कि पातंजल योग सूत्र के भाष्य को भी पीछे कर दिया उस व्यक्ति ने। और एक ग्रंथ उनका और बहुत प्यारा है, भोजराज का सरस्वती कंठाभरण। क्या नाम बताया मैंने आप लोगों को, हाँ सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती जी भोज के साथ बात करती थी जैसे बेटे के साथ मां बात करती।
महाराज भोज के साथ बात करती थी वो। उनकी मूर्ति जिन मूर्ति जिन विग्रह की पूजा भोजराज करते थे अंग्रेज उठा ले गए हैं। हम अपने मित्र भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से कहेंगे जैसे सब कुछ कर रहे हो वैसे वो अंग्रेजों के द्वारा चुराई गई सरस्वती जी की मूर्ति भी धारा नगरी में ले आओ। धारा नगरी को आजकल धार जिला कहते हैं। वहां भी इन कठमुल्लों ने नमाज की व्यवस्था कर दी गलत बात। उस व्यवस्था को भी हम दूर करेंगे। मैं कहने जा रहा हूं अब सुनील बाबू सोचते हुए विचित्र वक्ता ना है मैं वक्ता हूं ही नहीं। आप मुझे वक्ता मत मानिएगा अपना हो मैं आपके परिवार का सदस्य हूं। आई एम नॉट स्पीकर हियर आई एम ओल्डेस्ट कैंडिडेट ऑफ योर फैमिली। मैं आपके परिवार का सदस्य। जब हिंदू की आंख से एक बूंद आंसू गिरेगा तो मेरी आंखों से 10 बूंद आंसू गिरेंगे। जब हिंदू का एक बूंद खून गिरेगा तो मेरे शरीर के 10 बूंद खून गिरेंगे। मैं यही कहूंगा जो हिंदू हित की बात करेगा वो भारत पर राज्य करेगा। जो हिंदू हित की बात करेगा वो मध्य प्रदेश में राज्य करेगा। ऐसे भोज को ऐसे भोज राज को हमको ऐसे महाराज को प्रणाम करना चाहिए। राम जी के अंश ही थे वे। भोजराज ने अपने राज्य में कह दिया था कि सभी को संस्कृत ही बोलना है हिंदी नहीं बोलनी। अब एक महाराज भोज ने कहा अपने सेवकों से पता लगाओ कोई ऐसा कोई है जो संस्कृत नहीं बोलता। सभी संस्कृत बोल रहे थे तो एक जुलाहा देखा उससे पूछा नहीं कुछ इन लोगों ने तो चाहे ससुरा क्या संस्कृत बोलता होगा। ले आए कहा भगवान ये संस्कृत नहीं बोलता है इसको घर से निकाल दिया जाए। तो भोजराज ने कहा उस जुलाहे से किम तंतु आया तुम संस्कृतम न वदसि तुम काव्यम न करोसि। संस्कृत बोल नहीं। भोजराज ने कहा जो श्लोक नहीं बनाता उसको नगर से निकाल दिया जाएगा। तो जुलाहे ने कहा महोदय काव्यम करोमि रामचंद्र दास काव्यम करोमि मैं काव्य करता हूं किंतु नहीं चारुतरम करोमि सुंदर नहीं करता किंतु यदि यत्नात् करोमि यदि मैं यत्न से कविता बनाऊं तो चारुतरम करोमि तो सुंदर कविता भी बना लेता हूं। ये लो
अब तीसरी पंक्ति, भूपाल मौल मणि मंडित पाद पीठ। ये देखिए कविता, भूपाल मौल मणि मंडित पाद पीठ। राजाओं के मुकुटमणि से जिनके खड़ाओं की पूजा की जाती है, इसे हे शाह शंक। भोजराज का दूसरा नाम शाह शंक भी था। हे शाह शंक, हे भोजराज, कबयामी, मैं कविता करता हूं। वयामी, मैं कपड़ा बुनता हूं। अयामी, लीजिए आपके नगर से चला जा रहा हूं, जाइए। ये है कविता। हे शाह शंक, कबयामी, वयामी, यामी। वो स्वाभिमान हमारे मध्य प्रदेश का, तो भोजपाल बनने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं शिवराज सिंह से कहूंगा कि भोजपाल इसको कर दिया जाए। यदि इस बार नहीं होता तो अगले चुनाव में तो डेट से और है, चकाचक है, हो जाएगा। और जब भोजपाल हो जाएगा तभी मैं दोबारा कथा कहने आऊंगा। अभी ये भी बता देता हूं, अब मुझे मुझे सुनने कितने लोग आएंगे इसकी व्यवस्था आपको करनी है। चारों ओर बसों की व्यवस्था करवा दीजिए, बस लगवा दीजिए, करिए खर्च, और जहां घटे वहां मुझे बताइए, चिंता मत करिए। तो आज ऐसे महाराज भोज, जो राम जी के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त, सरस्वती जी जिनको बेटे की भांति दुलार करती थी, जब भोजराज का शरीर छूटा तो सरस्वती ने कहा, रामचंद्रदास, अद्य धारा निराधारा, निरालंबा सरस्वती, पंडिता खंडिता सर्वे, भोजराजे दिवंगते। भोजराज के चले जाने से धारा निराधार हो गई, सरस्वती का अवलंब समाप्त हो गया, पंडित खंडित हो गए। ऐसे महापुरुष के नाम पर यदि भोपाल को भोजपाल किया जाता तो आपत्ति क्या है? ये तो भारत के स्वाभिमान की रक्षा ही तो होगी। ये भारत स्वाभिमान यात्रा का एक बहुत बड़ा अंग होगा। इन लोगों ने हमसे कहा, गुरुजी हम कह रहे हैं कोई माने राम का, तुमने हमसे कहा ही नहीं अब तक। बताओ अब तक हमसे कहा तुमने? हमसे कहा होता तब तक पहले निपट गया होता यार, तुमने हमसे कहा ही। चलो मित्रों, एक ही चौपाई पर मैं चर्चा करूंगा, 9 दिन, बदलूंगा नहीं प्रसंग। और ये पुस्तकाकार भी होगा, मेरा यह वक्तव्य पुस्तकाकार होगा। पुस्तक बनेगी, आपको मिलेगी, और चौपाई की संख्या आपने बताई, रामचरितमानस, उत्तरकांड 10, 5। तब द्विज देहु
हरषि अनुशासन। गाइए सब लोग गाइए। सब द्विज देहु हरषि अनुशासन, सब द्विज देहु हरषि अनुशासन, रामचंद्र बैठे ही सिंहासन, रामचंद्र बैठे ही सिंहासन, रामचंद्र बैठे ही सिंहासन। तब द्विज देहु हरषि अनुशासन, सब द्विज देहु हरषि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन, रामचंद्र बैठे रावण पर विजय प्राप्त करके, यूं कहो लंका पर विजय प्राप्त करके, रावण का वध करके, विभीषण को लंका का राजा बना करके, सीता जी एवं लक्ष्मण जी तथा सभी वानर मित्रों के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर त्रि अयोध्या लौट आए हैं। भगवान राम का नगर में स्वागत हो चुका है। तब वशिष्ठ जी ने संपूर्ण ब्राह्मणों को बुलाया, तब वशिष्ठ सब द्विजन बुलाई, आज सुनखत सुदिन समुदायी, अब सुंदर मुहूर्त आ गया है, हे ब्राह्मणों, हे सभी भूदेवताओं, सब लोग प्रसन्नता पूर्वक अनुशासन दीजिए, आज्ञा दीजिए। क्या आज्ञा दें? रामचंद्र बैठे हैं सिंहासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। आप लोग प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दीजिए। भगवान श्री रामचंद्र सिंहासन पर विराजमान हो, राजा बने। यहां वशिष्ठ जी ने जो बात कही, पहले तो यही कहना चाह रहे थे राम राय बैठे सिंहासन। ब्राह्मणों ने कहा यदि राम जी सिंहासन पर बैठेंगे तो और लोग तो उनको राजा मानेंगे पर हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे? ब्राह्मणों का स्तोमो राजा अस्माकं ब्राह्मणानां, हम ब्राह्मणों के राजा तो चंद्रमा होते हैं। तब वशिष्ठ ने कहा ब्राह्मणों तब झगड़ा मत करो, अब ये राम जी चंद्र भी हैं, राम चंद्र राम रूप में और लोगों के राजा रहेंगे और चंद्र रूप में ब्राह्मणों के भी राजा रहेंगे। रामचंद्र बैठे हैं सिंहासन, रामचंद्र
पूरा अक्षर स्पष्ट है, राम चंद्र बैठे ही, पूरा अक्षर आपका आपके मुखार मिलते अक्षर पूरा होना चाहिए, राम चंद्र बैठे ही सिंहासन, राम चंद्र बैठे सिंहासन, राम चंद्र बैठे सिंहासन। ब्राह्मणों ने पूछा कि राम जी चंद्रमा कैसे बन गए। वशिष्ठ जी ने कहा क्या आपत्ति है आपको। ब्राह्मणों ने कहा कि चंद्रमा पूर्व दिशा में उदित होते हैं, राम रूप चंद्रमा के लिए कौन सी है पूर्व दिशा। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि रामचरितमानस जी के बाल कांड के 16वें दोहे की हमारे संपादित रामायण में भी जो मेरी संपादित रामायण है तीसरी पंक्ति, गीता प्रेस में चौथी, हमारे यहां तीसरी पंक्ति पढ़ लीजिए, आपको पूर्व दिशा मिल जाएगी। पंडव कौसल्या दिशि प्राची, जासु सकल जग माची, कीरत जासु